हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस तरह का सोलर इक्लिप्स अर्थ रोटेशन वर्किंग मॉडल बनाएंगे। ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। गाइस, इस मॉडल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे सनबोर्ड ले रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। सनबोर्ड को मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट कर दिया है। यहाँ पर हम एक और सनबोर्ड लेंगे जिसका थिकनेस 2 mm है। इसको हम इस तरह से पट्टी की शेप में कट करेंगे। इस तरह से हम पीस निकालेंगे गाइस, जो राउंड हो जाएगा हमारा आसानी से। और इस वाले जो हमने पहले वाला राउंड से में कट किया था उस पर हम इस तरह से इस पट्टी को लगा देंगे। गाइस, इसको हम थाली की शेप में बनाने वाले हैं इस तरह से। अभी इस पर हम ग्लू लगा देते हैं और इसमें जो हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिए हैं, इस ब्लैक पेपर को हम इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे। जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम कटर की मदद से कट कर देंगे। यहाँ पे गाइस मैं एक ऑरेंज सीड ले रहा हूँ, उसको भी मैं 3 सेंटीमीटर के इतनी सी लंबी सी पट्टी कट कर दूंगा और इस तरह से हम यहाँ पे चिपकाने वाले हैं उस पट्टी को। इसको चारों तरफ हम इस ऑरेंज कलर की पट्टी को चिपका देंगे इस सनबोर्ड में। अब गाइस हम कंपास से एक सर्कल बनाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हमारी LED लगने वाली है। ये रहा, मैं कुछ LED लेके आया हूँ। और गाइस, LED को लगाने के लिए यहाँ पे मैं सीजर का यूज़ करूँगा। सीजर से मैं इस तरह से होल करूँगा और इस LED को हम इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। सारी LED को मैं 5-5 सेंटीमीटर की दायरे में लगाऊँगा। देखिए गाइस, हमारी LED इस तरह से लग गई है। अभी इसके बैक साइड में देखेंगे, जो हमारी बड़ी वाली लेग होगी वो पॉजिटिव रहेगी और जो छोटी वाली लेग रहती है वो नेगेटिव रहती है। LED के हर लेग को हम इस तरह से मोड़ेंगे। जो भी LED का बड़ी वाली लेग है उसमें हम रेड कलर का वायर सोल्डिंग करेंगे और दूसरी वाली में हम ब्लैक कलर का वायर सोल्डिंग कर देंगे। पहले गाइस इसको हम चेक करेंगे, अगर ये प्रॉपर जल रही होगी तभी हम आगे काम करेंगे। ये बिल्कुल प्रॉपर है, कनेक्शन बिल्कुल हमारे ओके हैं। अभी मैं यहाँ पर एक बल्ब ले रहा हूँ। गाइस, यहाँ पर आपने ख़राब बल्ब ले लेना है, नया मत निकाल दीजिएगा। गाइस, बल्ब का जो आगे वाला पार्ट है उसे हमें लेना है। अंदर की साइड से इसका येलो कलर करेंगे। गाइस, आप बाहर से मत कीजिएगा क्योंकि ये हाथ पे लगता है ये कलर। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। गाइस, मैं यहाँ पे एक और सनबोर्ड का सीट ले रहा हूँ, ये A4 साइज़ है। इसमें हम ग्लू लगाएंगे और ये वाला ब्लैक चार्ट पेपर है इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। जो इस पेपर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। इस सीट में गाइस हम एक हमने पीस कट किया है सनशेप में, उसको हम यहाँ पर चिपकाने वाले हैं इस पेपर में। इस पर भी हम ग्लू लगा के यहाँ पर चिपका देते हैं। गाइस, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अब गाइस, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बल्ब के अंदर का PCB, जो हमारा LED बल्ब होता है। उसमें मैंने 1 वाट का एक LED लिया है छोटा सा और उसमें हम दोनों टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे प्लस माइनस का। ये हमारा सन के अंदर इस बल्ब को हम लगाने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पर हम दो होल कर दिए हैं। यहाँ पर हमारे जो बल्ब के कनेक्शन वायर है उसको यहाँ से निकाल देंगे। इस वाली LED को हम सन के बीच में हॉट ग्लू से इस तरह से चिपका देंगे। अब हमने जो बल्ब का कैप लिया था उस पर भी हम थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से चिपका देंगे। देखे गाइस, बन चुका है हमारा सन। गाइस, सन को भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर काम कर रहा है ये। अभी गाइस इसके जो सेंटर में है यहाँ पे हम एक होल करेंगे, यहाँ पे हम मोटर लगाने वाले हैं। इस होल को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने बीओ मोटर लिया है, वो मोटर को हम यहाँ पे इस होल में इस तरह से सुपर हॉट ग्लू से चिपका देंगे। मोटर हमारे रोटेट हो रही है। अभी हम अर्थ बनाने वाले हैं। अर्थ के लिए इस तरह के स्पेंसी बॉल ले रहा हूँ, उस पर मैंने कलर करते हैं इस तरह से बना दिया है। सन एंड अर्थ बन चुका है हमारा। इस तरह के स्माइली बॉल लेंगे और गाइस इसको हम मून बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम इस पर वाइट कलर करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस पर पूरा वाइट कलर कर देंगे, ये हमारा मून बन के तैयार हो जाएगा। देखिए गाइस, मून भी हमने बना दिया है। अभी हम एक स्टिक लेंगे, उसको हाफ कट करेंगे और एक साइड से हम मून पे लगा देंगे, दूसरी साइड से हम अर्थ के अंदर इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। अभी गाइस, जिसमें हमने सन बनाया है उस पर हम हॉट ग्लू लगा देंगे, इसको हम अर्थ वाले पार्ट से इस तरह से चिपका देंगे। गाइस, इसको चलाने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम एक बैटरी लिथियम आयन सेल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। उस पर हम दोनों साइड से इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन सर्किट डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप इसे देख के आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हम स्विच लगाने वाले हैं। स्विच के लिए मैंने यहाँ पे एक कटिंग कर दिया है और इस तरह से हमारे यहाँ पे स्विच लग जाएगा। गाइस, यहाँ पे हम रिचार्जेबल बना रहे हैं, इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल हमारा यहाँ पे इस तरह से लगा दूंगा मैं इसको।
और गाइस यहाँ पे व्हाइट कलर से मैं कुछ यहाँ पे डॉट डॉट बना दूंगा, जब ये लाइटें चलेगी तो यहाँ पे ये स्टार के जैसे लगेंगे। गाइस मेरे इस चैनल पे आपको इस तरह के बहुत सारे वर्किंग मॉडल देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लाइक नहीं करते हो। आप चाहे तो देख सकते हैं गाइस, इसमें 10 लाइक से ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए गाइस, इसको मैंने यहाँ पे चार्ज लगा दिया है, अभी ये वर्किंग मॉडल हमारा चार्ज हो रहा है। इसके कनेक्शन किस तरह से किए आप देख सकते हैं। अभी गाइस इसका जो हमारा चार्ज को इसको हम हटा देते हैं और इसको हम ऑन करके दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।